क्या ढिंचक पूजा के साथ कोलैबोरेट करने वाले हैं अपने किसी गाने में? आपके व्यूज क्या हैं इस कल्चर के ऊपर? Eminem was standing beside my door कि मतलब सिखा दे वगैरह। तो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं द सेमी शो के सब्सक्राइबर्स हैं, उनके लिए कुछ ऐसे एक्सक्लूसिव हो जाए तो यार मजा आ जाएगा। इट गोज लाइक Hey everybody, it's your boy Sammy. You are watching India's most iconic interview. और ये इंटरव्यू में हम देते हैं आपको भरपूर टाइम मज़े। तो आज हमारे साथ मौजूद है इंडियन हिप हॉप का फ्यूचर, जिन्होंने पूरी इंडियन हिप हॉप कम्युनिटी में आग लगा के बिल्कुल उथल पुथल मचा रखी है, जिनसे Eminem भी डरते हैं, कोई इनको डिस नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये है हमारे साथ MCBC द रैपर। यो तो पहले तो मैं भाई को शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि वो हमारे चैनल पे आए और उन्होंने हमारे इंटरव्यू में हमारा साथ दिया। तो कैसा लग रहा है भाई हमारे इंटरव्यू में आके? बढ़िया ही लग रहा है, और आप भाई जैसे ही हो और भाई जैसे ही रहोगे यार। भाई तो हम सबके हैं, मुन्ना भाई के भी भाई हैं, तो यार बनता है ये सब। तो हम भाई से कुछ प्यारे प्यारे क्वेश्चंस पूछने वाले जो इनके फैंस ने पूछे हैं। हमने अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल दी थी कि हम इनके साथ इंटरव्यू करने वाले हैं, इनके जो फैंस उनका भरपूर प्यार आया था। तो हमारे जो स्पॉट बॉय हैं उन्होंने कुछ क्वेश्चंस इकट्ठा करके रखे हैं। पहला क्वेश्चन है ये साला क्या, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो इनके फैन की तरफ से है कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? जैसे हर रैपर की ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, पीक्स आते हैं, बॉटम्स आते हैं, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, आपने क्या सीखा है उनसे? ओके, जर्नी में इजी नहीं रहती है, बहुत मुश्किल होती है, हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। एंड अ रैपर लाइक मी जिसको अपनी पीक मेंटेन करके रखनी पड़ती है, एंड गिविंग सॉन्ग्स लाइक लुंगी में वाईफाई, तेरी टैट की टुई एंड मैनी मोर सच बैंगर्स। एंड कभी कभी मेरे को खुद पे डाउट होता है कि मैं इतना अच्छा कैसे, एंड लोग मतलब कुछ कुछ ऑडियंस तो तैयार भी नहीं है उस चीज़ के लिए, एंड वो शिवर कर जाती है जैसे ही गाने आते हैं, वो शिवर कर जाती है। अच्छा, तो भाई थोड़ा आउट ऑफ द लीक क्वेश्चन है कि हमने सुना है कि आप ये मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ, आपके फैंस बोल रहे हैं कि आप ढिंचक पूजा के साथ कोलैबोरेट करने वाले हैं अपने किसी गाने में। हाँ, मेरा भी मतलब ऐसे बात बात चल रही है अभी, लेट्स सी अगर सब सही रहा तो आएगा, एंड अगेन वो भी एक बैंगर होगा। इंतजार रहेगा भाई के बैंगर के लिए। तो मेरा अगला क्वेश्चन ये है आपसे कि सभी के फैंस होते हैं, सभी के हेटर्स होते हैं, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा अपने हेटर्स या फैंस के साथ? तो लकीली मेरे को सपोर्ट काफ़ी अच्छा मिला है, चाहे घर से हो या फैंस से हो। जब मैंने सबसे पहली बार बताया था ना कि घर में कि मेरे को रैपर बनना है, मेरे को खाने में मेरी फेवरेट डिश मिल गई थी, और क्या लूँगा भाई। एंड फैंस की बात करूँ तो भाई मेरा एक स्ट्रगल का टाइम था जब मेरे पास चप्पल नहीं होती थी, एंड मेरे फैंस ने मेरे को चप्पल दे दी। वो अलग बात, उन्होंने छाती में मार के दिया, लेकिन वो चाहते थे दिल पे लगे। अभी थोड़े इमोशनल हो गए थे क्योंकि अपने फैंस के साथ बहुत ज़्यादा इमोशनल है बिल्कुल। बहुत कम रैपर्स ही ऐसे होते हैं जिनमें इतना कम ईगो होता है जो अपने फैंस के साथ जुड़े हुए होते हैं, तो काफ़ी अच्छी बात है। वैसे तो क्वेश्चन हमारी लिस्ट में नहीं है, बट फिर भी मैं आपको पूछना चाहूँगा कि जैसे कि अभी आपने मेंशन किया, आपको खाने में क्या पसंद है? देखो, वैसे तो आई एम अ फूडहॉलिक, ठीक है, मैं बहुत सारी चीज़ें खाता हूँ, लेकिन मेरी वन ऑफ द फेवरेट्स है चाटा, घुसा, लात एंड माय फेवरेट झाड़ू। एंड भाई बहुत कम लोग खाते हैं ये चीज़ें, लेकिन आई थिंक सो ये चीज़ें खानी चाहिए, एंड ये हेल्थ के लिए भी अच्छी होती है, एंड फ्यूचर में जाके इसके लिए स्टडीज़ भी हो सकती है कि जो मैं खाता था वो लोग पहले क्यों नहीं खाते थे, एंड वगैरह वगैरह। फिर मेरे को लेजेंड बोलना, मैं मतलब वो चीज़ें करता नहीं हूँ ना, आई एम अ डाउन टू अर्थ। तो या दैट्स इट। ओके, मतलब अपनी अपनी प्रेफरेंस है। तो अगला क्वेश्चन ये है कि आपको एक ट्रैक बनाने में कितना टाइम लगता है? नाइस क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैं एक ट्रैक का एक टॉपिक डिसाइड करता हूँ। देखो, मेरे ट्रैक के टॉपिक मतलब बहुत कॉमन नहीं होते हैं, एंड बहुत सोच के मतलब 4-5 दिन तो इजीली लग जाते हैं, जैसे कि लुंगी में वाईफाई, थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन अब क्या करें, मेहनती तो है ही। हम फिर आती है लिरिक्स का पार्ट, एंड जो लिरिक्स होती है मेरे ट्रैक्स की, यू नो कि कभी कभी Eminem was standing beside my door कि मतलब सिखा दे वगैरह, अब वो छोड़ो। तो वो टाइम मेरे को लिखने में काफ़ी टाइम लगता है, वो 1 महीना करीब लग जाता है वो लिरिक्स लिखने में, एंड यू नो क्यों लगता है, बिकॉज ऑफ द क्वालिटी जो मैं बार्स वगैरह देता हूँ। एंड फिर आती है वीडियो लोकेशन। भाई वीडियो लोकेशन डिसाइड करना इजी नहीं है, तुमने देखा है कहाँ कहाँ हमने शूट करें, वहाँ पीछे मतलब पता है तुमको, तो इजी नहीं है, लेकिन यार मेहनत लग जाती है, इसलिए मैं ज़्यादा ट्रैक कोशिश करता हूँ तब भी डालने की, और तो बन लग जाता है करीब 2-3 मंथ्स लग जाते हैं। एंड उसके बाद एडिटिंग, तो वी हैव वन ऑफ द बेस्ट एडिटर्स हेयर, कमल राजू। तो या दैट्स इट।
वैसे मैं आपकी बात बीच में काटना तो नहीं चाहूंगा, बट मेरे मन में काफी टाइम से क्वेश्चन था कि जो अपने गाने बनाए तेरी टैटी टू, इसके पीछे आपका मोटिव क्या था इस गाने के पीछे? ओके भाई, अच्छे क्वेश्चन पूछ रहे हो काफ़ी आप। एंड तो जब हमारे स्ट्रगल का टाइम चल रहा था तो हम मैं लेबल्स को अपने गाने भेजते रहता था और हमारी बैक एंड फोर्थ बात होती रहती थी। तो एक बार मैंने उनको थोड़ा ज़्यादा कॉल कर दिया था, कॉज हम लोग एज अ यंग आर्टिस्ट थोड़े डेस्परेट होते हैं। एंड उस टाइम उन्होंने मेरे को एक अनोखी सी बात कही थी, वो थी तेरी टैट की टुई। एंड वो बात मेरे दिमाग में चिपक गई, कॉज ऑफ जो टुई में जो वजन था ना, तो वो मेरी बात दिमाग में चिपक गई। एंड जो ब्यूटीफुल एलिट्रेशन है उसमें तेरी टैट की टुई, तो वो बात एंड सारी चीज़ों का संयोग इतना अच्छा बैठा कि मैंने कहा ये रखते हैं। एंड मेरे को उस लेबल को भी प्रूफ करना था कि ठुकरा के मेरा टैलेंट मेरा इंतकाम देखिए। तो भाई इसे कहते हैं हर चीज़ को पॉजिटिवली लेना और वेस्ट आउट ऑफ बेस्ट बनाना, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है यार। तो जो अगला क्वेश्चन है जो कि आपके फैंस की तरफ से हमें आया है, वो है कि आपके व्यूज़ क्या हैं डिस कल्चर के ऊपर? हाँ, तो मैं अवेयर हूँ जो भी चीज़ें चल रही हैं इंडियन डिस वगैरह सीन वगैरह में, तो आई थिंक सो वो सारी चीज़ें फालतू हैं, क्योंकि किसी ने मेरे को डिस नहीं करा। क्यों पता है? बिकॉज सारे रैपर्स इनको जानते हैं कि टुई में कितना दम है, राइट? वो भी है, लेकिन दे नो कि वो मेरे आसपास भी नहीं है लिरिकली। एंड और जब उनको पता है कि जब मैं आऊँगा तो सबके सब उल्टा लोटा लेके भागेंगे, उल्टा लोटा। तो भाई इसे कहते हैं कॉन्फिडेंस, इसलिए लोग इनको इतना डरते हैं इनको डिस करने से। एंड इवन M&M भी इनसे बहुत डरते हैं। अरे वो तो मतलब तुम्हें पता है, मैंने बताया एंड फिर मैं ज़्यादा बोलता नहीं वगैरह, लोग बोलते हैं अरे हम थोड़ा डाउन टू अर्थ। हाँ यार भाई, अपनी सिंपलिसिटी में ही अपना दम है ना। देखो मैं पजामा पहन के बैठा हूँ ऐसे इतने बड़े इंसान का इंटरव्यू लेने में, अपना सब सही ऐसे ही चलता है यार। तो क्वेश्चन काफ़ी सारे आए थे भाई के लिए, लेकिन हम सारे पिक नहीं कर पाए क्योंकि अभी भाई का कॉन्सर्ट है दिल्ली में और फिर वहाँ से इनको मुंबई भी जाना है। यार भाई थैंक यू वंस अगेन कि आप हमारे शो में आए, बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के। तो अब हम इनके साथ खेलेंगे एक छोटा सा गेम। हम इस गेम का नाम इंसान की पर्सनैलिटी पे रखते हैं, जैसे इनको इनके फैन से काफ़ी ज़्यादा मिलते रहते हैं। हमने गेम का नाम रखा है रैपिड फायर। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम आपसे स्टार्ट करते हैं। फेवरेट सिंगर? रानु मोल्डे। फेवरेट लिरिसिस्ट? लिल पंप। फेवरेट फीमेल रैपर? ढिंचक पूजा। फेवरेट एक्टर? KRK। ओके सो काफ़ी अच्छा इनका वो है। तो अब हम इनकी थोड़ी सी जनरल नॉलेज टेस्ट कर लेते हैं। जैसे कि आपको पता ही है रैपर में काफ़ी सारी नॉलेज होती है जब वो लिखते हैं। तो हम पहले क्वेश्चन से स्टार्टिंग करेंगे। महाभारत किसने लिखी है? आइंस्टाइन। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का है? UK। अच्छा काफ़ी अच्छी जनरल नॉलेज है। और लास्ट क्वेश्चन आज का, नेशनल फूड ऑफ इंडिया? झाड़ू। अभी नहीं तो फ्यूचर में तो हो गई। तो जितने भी क्वेश्चन हमने किए थे भाई ने बहुत बढ़िया जवाब दिया और काफ़ी मज़ा आया इनके साथ इंटरव्यू करके। और यार बहुत हम्बल इंसान है, मज़ा आ गया इनके साथ इंटरव्यू करके। तो छोटी सी रिक्वेस्ट एक और कि भाई जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, द सेमी शो के सब्सक्राइबर्स हैं, उनके लिए कुछ ऐसे एक्सक्लूसिव हो जाए तो यार मज़ा आ जाएगा। लुंगी मैं वाईफाई परफॉर्म कर देता हूँ, मैं इतना इजीली करता नहीं हूँ, लेकिन आप भाई हो तो कर देता हूँ। थैंक यू यार। गोज लाइक, तेरी लुंगी में वाईफाई, टशन मेरा हाई फाई, चिंटू बले पिंटू बले दे दे मुझे हाई फाई, टाटा टूटी टाटा टूटी टाटा टूटी टाटा। ये था एपिसोड, अब अगले में मिलते हैं। बाय 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 बाय। ये था एपिसोड, अब अगले में मिलते हैं। बाय 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 बाय। तो यार बहुत बढ़िया दे दिया है, बहुत बढ़िया गाना इन्होंने हमें सुना दिया यहाँ पे एक्सक्लूसिव। तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को और भाई के चैनल को भी सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।